नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे पिछले 10 सालों से केलकर हॉस्पिटल यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। हमारा प्रयत्न है कि आप तक कई बीमारियाँ ऐसी है कि जो आप तक पहुँची नहीं है अभी तक, तो वो क्या बीमारियाँ है कि जिसकी वजह से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी वजह से मेरा ये प्रयत्न है, हमारा ये प्रयत्न है कि आप तक ये बीमारियाँ पहुँचे। देखिए, अभी मेरे पास में जो पेशेंट आए हैं वो पेशेंट है, बहुत दूर से आए हैं, कम से कम 40 घंटे इनको आने में लगते हैं यहाँ पे। ये है मदन गुंडी नाम का है, झारखंड में एक सिटी है मदन गुंडी, डिस्ट्रिक्ट है कोरडामा और रांची के पास में ये शहर है। इनको आने के लिए 40 घंटे लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, लेकिन अपने अपन जैसा वीडियो बना रहे हैं ऐसा वीडियो यूट्यूब पे उन्होंने देखा और वो हमारे पास में पिछले 3 दिनों से एडमिट है। अपन उनसे मुलाकात करते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ थी, उनके ही मुंह से सुनिए उनको क्या तकलीफ थी और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए आप कहाँ से आए हो? मैं झारखंड से आया हूँ। मेरा अच्छा। नाम अनिल कुमार पंडित है। अनिल कुमार पंडित जी, ओके। हाँ हाँ, ये आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? सर, मैं सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा। यूट्यूब पे वीडियो देखा इन्होंने? अच्छा। और उस वीडियो को देख के मैं कांटेक्ट किया सर के पास। वीडियो को देख के आपने हमसे कांटेक्ट किया? जी हाँ। ओके ओके, फिर उस वीडियो से मुझे एड्रेस मिला, उस एड्रेस के जरिए मैं यहाँ पे आया। देखो, इन्होंने वीडियो देखा यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद में कांटेक्ट किया। हमारे नंबर नीचे रहते हैं, उस पे कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करने के बाद में ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आए। आपको क्या क्या तकलीफ है जान सकता हूँ मैं? जी सर, बिल्कुल जान सकते हैं सर। मैं 2013 में मुझे बुखार आया था। 2013 में? जी, 2013 में बुखार आया था। हाँ जी हाँ। और बुखार आने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। ओके, ओके, तो रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा माथा दर्द स्टार्ट हो गया। माथा दर्द करने लगा? जी, माथा दर्द करने लगा। डॉक्टर को फिर दिखाया, फिर सारा मतलब जांच नॉर्मल सब करवाए इन्होंने। जी, जांच करवाए, सब जांच करवाए, लेकिन कुछ जांच में कुछ निकला नहीं। बराबर है। हाँ। जी, और हमें मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने इस तरह छूट के बुखार आता था। अच्छा। और हमेशा ऐसा लगता था कि बुखार है, मतलब कभी ठीक लगता था, कभी लगने लगता था कि बुखार है, एकदम सुस्ती टाइप, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खड़ा हो सकूं। ओके ओके, देखिए अभी इनको हर 3 महीने में 2 महीने में बुखार आती थी। इनको ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसकी वजह से काम पे जाना छूट गया और वो ऐसे ये तकलीफ में वो जी रहे थे। और कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? सर, मैंने सबसे पहले मैं अपने गांव के हॉस्पिटल में मतलब दिखाया। अच्छा। उसके बाद मैं रांची गया। ओके ओके। रांची के बाद मैं कोलकाता गया। हाँ, कोलकाता हाँ, में दिखाया। हाँ, कोलकाता के बाद सूरत में जॉब करने गया, वहाँ भी बीमार पड़ गया, वहाँ भी दिखाया माथा के डॉक्टर से। सूरत में भी दिखाया? जी। उसके बाद मैं बॉम्बे में दिखाया हूँ। अच्छा। फिर बॉम्बे से मैं जो उसके बाद मेरे मुझे पैसे की दिक्कत थी। हाँ। इसलिए मैं बड़े शहर में नहीं जा पाता था, लेकिन अच्छा। किसी तरह पैसे इकट्ठा करके मैं चेन्नई गया। चेन्नई में तमिलनाडु नाम का एक हॉस्पिटल है, CMC हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हाँ। मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पूरा मेरा जांच हुआ। जांच होने के बाद डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। ओके ओके हाँ। देखिए अभी कितने दूर दूर तक घूमे हैं, सूरत जाके आए, तमिलनाडु जाके, तमिलनाडु में मद्रास में गए, वहाँ पे सब जांच कराई, लेकिन बुखार के साथ में और क्या तकलीफ थी आपको, क्या होता था? सर, मेरा सबसे पहले तो माथा दर्द करता था और ऐसा झनझनाहट होती थी, माथा दर्द करता था। उसके बाद धीरे धीरे गर्दन में दर्द स्टार्ट हो गया, गर्दन में दर्द आ गया, सीने में, पूरा पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, और जो मतलब आपको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा जी, हमेशा महसूस होता था कि दर्द है शरीर में। इनको ऐसा महसूस होता था कि इनके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख रहा है, दर्द हो रहा है। और मुझे ऐसा डर रिपोर्ट पूरा भी नॉर्मल आने के बाद जब ऐसा लगता था तो मुझे लगता था कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा। और घुटने में दर्द होता, पूरा पैर में दर्द होता था, पूरा अच्छा। शरीर में एकदम जलन सा होता था। दिन भर कैसा लगता था आपको? दिन भर मुझे बेचैनी सा महसूस होता था, एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा लगता था सुसाइड करूं मैं। अच्छा। देखो, सुसाइड के थॉट से अपन ये सोचते हैं कि एक आधे आदमी ने अगर सुसाइड किया तो उसका अपन बोलते हैं कि अभी तो मैं गया था, अच्छा था, एकदम अच्छा खासा था, मेरे से बात किया उन्होंने, लेकिन अपन जब मौत पे जाते हैं तो वहां पे ये बातें करते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि उसी उसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, अब ये 2013 से बीमारी में थे, वो बीमारी की वजह से उनको ऐसे थॉट्स आने लगा कि मैं मर क्यों ना जाऊं, कि सुसाइड करने तक उनकी इच्छा होती थी, इसकी वजह से वो परेशान थे। और अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ से आने के बाद 3 दिन में मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सुनील सर आपको और दीपक सर को,
कि आप लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले और उस वीडियो के जरिए मैं यहाँ पे पहुँच पाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और लोगों को तक पहुँचाएँ, ताकि इस बीमारी से जूझने वाले सभी को पता चले और सर के पास आएँ। बस धन्यवाद।